हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने जीके सीरीज का वीडियो नंबर 183, 183 नंबर का वीडियो आज हम कवर करने वाले हैं। तो अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, अब हम लोग कवर करने वाले हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन और सारे के सारे मिसलेनियस है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो अपना पहला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में, भारत के कौन से राज्य में गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन है आपके पास बिहार, अलाहाबाद, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात में है। तो जो गिर नेशनल पार्क है वो है आपका हमारा गुजरात में, ठीक है, गुजरात। देन क्वेश्चन नंबर टू, शोर टेम्पल इज लोकेटेड एट, शोर टेम्पल ये मंदिर है, ये शोर टेम्पल कहाँ पे है, शोर टेम्पल कहाँ पे है, कैलीकट में है, शाहनापुर, पटना या फिर महाबलीपुरम में है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये शोर टेम्पल कहाँ है। तो जो शोर टेम्पल है वो है आपका महाबलीपुरम में, और महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। आप लोग को एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आप लोग देखेंगे एक छोटा सा लाल रंग का सिलेंडर होता है ना, अगर कहीं आग लग जाए तो उसको ले जाके बुझाया जाता है उससे, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नियॉन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है आग को बुझाने के लिए, टू एक्सटिंग्विश फायर। तो इसका आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CO2, ठीक है, तो उसके अंदर CO2 भरा हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज तानिया सचदेव, तानिया सचदेव कौन है, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है तानिया सचदेव कौन है, क्या वो एक्ट्रेस है या चेस प्लेयर है या डांसर है या फिर सिंगर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स के फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तानिया सचदेव हो गई आपका एक चेस प्लेयर, ठीक है, भारत की। क्वेश्चन नंबर फाइव, जामिनी रॉय वाज अ फेमस डैश, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जामिनी रॉय एक बहुत फेमस क्या है, डांसर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, पेंटर है, क्या है जामिनी रॉय। तो इसका आंसर है जामिनी रॉय वाज अ फेमस पेंटर, ये बहुत फेमस पेंटर हैं, चित्र फेमस पेंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लोकतक लेक, लोकतक लेक, लेक यानी कि झील, तो लोकतक लेक इज लोकेटेड इन, जो झील है उसका नाम है लोकतक, तो वो जो लोकतक लेक है वो कहाँ पे है, भारत के किस जगह में, उड़ीसा में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा या फिर मिजोरम में है। तो बताइए कहाँ है ये लोकतक लेक, कहाँ पे है। तो लोकतक लेक है आपका मणिपुर में, ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, ये क्वेश्चन अपना साइंस है, साइंस के कहाँ से, फिजिक्स से। क्वेश्चन नंबर सेवन, 1 HP, यहाँ पे 1 HP, HP मतलब हॉर्स पावर, 1 horsepower इज इक्वल टू डैश वाट, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1 horsepower इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट, ठीक है, कितना वाट होता है 1 horsepower में। ऑप्शन है आपके पास 526, 550 या फिर 700 या फिर 746। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट, ठीक है। अगर वाट में पूछे 1 horsepower इक्वल्स टू हाउ मेनी वाट, तो आप बोलिएगा 746, और अगर पूछ ले किलो वाट तो सीधा सीधी डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.746, ठीक है, सिंपल, याद रखिएगा। अगर वाट में पूछ लिया तो आप लिखिएगा 746, और अगर किलो वाट में पूछ लिया तो आप बताइएगा 0.746, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर एट, स्टेथिस्कोप जो डॉक्टर्स यूज करते हैं चेक करने के लिए, स्टेथिस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ये जो स्टेथिस्कोप है ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया स्टेथिस्कोप का, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास डनलप, लेंस या फिर बिस्मेर या फिर ऑनब्रग।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, स्टेथिस्कोप का जिसने आविष्कार किया था उसका नाम था लिंस। तो क्वेश्चन नंबर 9, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जो श्रेणी, रेंज यानी कि श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी कौन, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन था आपके पास, द एल्प, द हिमालय, द एंडीज या फिर द एवरेस्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द एंडीज, जो एंडीज रेंज है वो दुनिया का सबसे लंबा रेंज है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड इज, पॉपुलर सिटी मतलब कौन सा शहर है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपसे देश के बारे में नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या आपका पूछ रहा है शहर के बारे में, शहर सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास पेरिस, लंदन, पेकिंग या फिर टोक्यो। तो बताइए पॉपुलर सिटी कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो, ठीक है। टोक्यो कहाँ पड़ता है, टोक्यो आपका पड़ता है जापान में, ठीक है, जापान, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर पूछ लेता कि पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द आपका बता दीजिए कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चाइना, उसके बाद अपना इंडिया, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे। तो पॉपुलर सिटी हो गया आपका टोक्यो, ठीक है, जापान का। तो हम लोगों ने 1 to 10 कवर किया क्वेश्चन, 183 आज कंप्लीट किए। तो मिलेंगे फिर कल 144 नंबर वीडियो के लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए।